आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल, आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज एंड में आप सभी का इस्तकबाल है। तेलंगाना केसरी चैंपियन 2022 अबू बकर बामस की जीत की खुशी में आज गाजी मिल्लत कॉलोनी मरहूम अली बामस के घर पर अली बामस के फर्जंद हुसैन बामस ने पहलवान की शॉलपोशी और गुलपोशी की। इस मौके पर AIMIM कॉरपोरेटर जनाब अब्दुल रहमान साहब और AIMIM कॉरपोरेटर फहद बिन अब्दत और गाजी मिल्लत कॉलोनी सीनियर लीडर अब्दुल अजहरुद्दीन और शेख इस्माइल उस्ताद खालिद बामस और तमाम बामस फैमिली के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे। आइए नाजरीन देखें इसी की तफसीली रिपोर्ट। न्यूज़ एन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे मैं आपको बोला अली को मोहम्मद अरे सामने आ भाई थोड़ा सामने आ ये सामने आ जाता अमर राय लो कोई भी सामने आ जाए कृष्ण और जरा नीचे करो भाई क्या मीडिया में आप लोग अपना सामान मत छेड़ो साले राइट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जनाब हुसैन बामा साहब के मकान पर एक तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें अबू बकर बामास जो तेलंगाना केसरी के टाइटल के विनर है उनकी गुलपोशी और चालपोशी की गई। इस मौके पर तालाकुंटा गाजी मिल्लत कॉलोनी और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम एक्टिव मेंबर्स मेरे साथ जनाब शेख इस्माइल साहब, जनाब हुसैन बामा साहब, जनाब मतीन साहब, जनाब गोरुबा साहब और मेरे साथी कारपोरेटर जनाब फहद बिन अब्दत साहब भी खुशी की महफिल में शामिल हुए। ये अल्लाह का करम है। बामाज अखाड़ा गुज़श्ता 3 साल से हनुमान केसरी और आपके तेलंगाना केसरी टाइटल और गुज़श्ता 2 महीने पहले भी कुछ टाइटल में जीत हासिल की। मैं उम्मीद करता हूं कि बारकस के इस नौजवान पहलवान को मुबारकबाद देता हूं। साथ ही साथ ये स्पोर्ट्समैनशिप का जो मुजाहरा बारकस के लोग कर रहे हैं, तालीम के साथ साथ ये लोग जो है स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी ले रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन स्पोर्ट्स को भी तरजीह देगी इंशाल्लाह। इन स्पोर्ट्समैन के लिए जो भी सहूलियात दरकार है उसके लिए नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब से कामयाब नुमाइंदगी करके मैं और खुशी की बात यह है कि ये बारकस एरिया हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है और मैं भी खुश नसीब हूँ कि मेरे डिवीज़न में बामाज अखाड़ा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग मुसलसिल जो है तो विनर का टाइटल हासिल कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले बड़े बड़े मुकाबलों में भी ये लोग जीत हासिल करेंगे। शुक्रिया। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज गाजी मिल्लत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर वर्कर जनाब हुसैन बामस साहब के घर पर तेलंगाना केसरी 2002 के टाइटल विनर जनाब अबू बकर बिन अब्दुल्ला बामस साहब की गुलपोशी की गई। ये बड़ी खुशी और मसर्रत की बात है कि बारकस के एक नौजवान जो कई सालों से कुश्तियों में अपने कारनामे दिखा रहे हैं बामस अखाड़ा से आज 2022 का तेलंगाना केसरी टाइटल विनर है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर जनाब अब्दुल रहमान साहब और मैंने जनाब खालिद चा साहब
और दीगर यहाँ के नौजवानों ने गाजी मिल्लत, बारकस, ताल्लाकुंटा और दीगर सारे चंद्रायन गुट्टे के नौजवानों ने यहाँ पर आकर हुसैन बामद साहब के घर पर जनाब अबू बकर बामद साहब की गुलपोशी की और ख़ुशी का इजहार किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बारकस के बामस अखाड़े के इस नौजवान ने तेलंगाना केसरी 2022 के टाइटल के विनर बने अल्हम्दुलिल्लाह। वरकत, मेरा नाम अबू बकर बिन अब्दुल्ला बामस है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2022 का तेलंगाना चैम्पियन हूँ। आज मेरी शाल पोशी हो रही मेरे तायरे भाई हुसैन बामस के पास। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा की मेहनत है, दुआ है मेरे माँ बाप की और आप सब की दुआ है मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें आज आपके ये प्रोग्राम में दो नौजवान कैसे, तो मैं एक ही बात बोलूँगा, जो ये आजकल चल रहा ड्रग्स का और गांजों का, ये सब मत करिए, स्पोर्ट्स में रहिए, नमाज पढ़ो 5 टाइम की, बड़े छोटों का अदब रखो, अखलाक रखो और हलाल हराम की तमीज़ रखो इंशाल्लाह। का शुक्र है, बस दुआ है। आपके अगेंस्ट में क्या नाम था उनका और कितने केजी का वेट था? साई किरण है, 92 केजी के। ये कहाँ से थे साई किरण? धुलपेट से। धुलपेट अखाड़े से जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 टाइम आंध्रा केसरी हूँ मैं, डबल आंध्रा केसरी और बामस अखाड़े से। हमारे उस्ताद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बामस और सलीम बामस, अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत बड़ा ताउन है, बहुत बड़ी मेहनत है हमारे को जैसे यहाँ तक मुकाम तक लेके आने के लिए। और एक चीज़, बहुत मेहनत करे, बहुत जैसे हमारे पीछे टाइम दिए हमारे उस्ताद सलीम बामस, हमारे बड़े भाई खालिद बामस, सब जने मिल गए, बहुत टाइम हमारे को दिए अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज़, पूरे 12 साल के बाद आज फिर तेलंगाना केसरी हमारे अखाड़े को है। 2012-2013 में मैं बना आंध्रा केसरी, लास्ट आंध्रा केसरी भी मैं बना, फर्स्ट मेनरिटी आंध्रा केसरी हमारे खालिद भाई, खालिद बामस, बामस अखाड़े से। और अभी जैसे 2022 तेलंगाना केसरी वोकर बामस बने अल्हम्दुलिल्लाह। जो बड़ों की इज्जत करता, हक हलाल का खाता और छोटों से शफ़क़त करता, उसको अल्लाह ताला कामयाब करता। हर एक नौजवान बच्चों को जैसे मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, मेहनत करो, अल्लाह ताला जैसे एक नमाज के बदले अगर सेहतमंद रहेगा तो उसको डबल नमाज का फ़ायदा मिलता, नेकी मिलता। नमाज की पाबंदी करो और छोटों को बड़ों को समझो, बड़ों की इज्जत करो, अखलाक अपने अच्छे रखो, अल्लाह का जो कामयाब करने वाला है।